गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल सिंह, सम स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोज मी एंड टूडे टॉपिक इज नाउन। स्टूडेंट्स टूडे यू विल नो मोर अबाउट नाउन, नाउन डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, यू विल सी ईच ऑफ द थिंग्स। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, यू कैन ऑल्सो से नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन हिंदी संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। तो सो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर टू दिस नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट मीन्स इट विल टेल अबाउट पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पर्सन सच एज यू आर ऑल्सो अ पर्सन, प्लेस मार्केट, स्कूल आर ईटीसी एनीवेयर। थिंग्स चेयर, टेबल, डस्टर, ब्लैक ग्रीन बोर्ड, एवरीथिंग इज अ थिंग्स अराउंड यू। नाउ यू विल सी द काइंड्स ऑफ नाउन, देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज कॉमन नाउन इज द थिंग्स दैट इज कॉमन इन ईच प्लेसेस, इन एवरी प्लेसेस आर थिंग्स। इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैथमेटिक्स। कॉमन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक टाइम आ जाए, दो या दो से अधिक टाइम आ जाएगा तो उसमें से कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से नाउन के रेफरेंस में भी होगा कि जो दो से अधिक होगा वो कॉमन होगा। जैसे बॉय, बॉय कह देने से क्लियर हो रहा है कि वर्ल्ड के जितने भी बॉय होंगे सारे बॉय आ जाएंगे, वो कॉमन है, एक से अधिक होगा। एक उनकी कैटेगरी होगी, एक जाति होगा, एक पूरे जाति का बोध करा रहा बॉय कह देने से। गर्ल्स, गर्ल्स कहने से पूरे गर्ल्स समुदाय की बात हो रही है, जितनी भी गर्ल्स आ जाएंगी सब आ जाएंगी कॉमन नाउन में। चेयर, चेयर दैट इज कॉमन नाउन। चेयर कह देने से क्लियर नहीं होगा किस कंपनी का चेयर या कैसा चेयर, तो चेयर कह देने से कॉमन हो गया। कोई भी चेयर हो, चाहे लोकल चेयर हो या BBI की चेयर हो, एवरीथिंग। हाउस, हाउस के देने से भी कॉमन है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसका घर है, पर्टिकुलर कुछ नहीं है, सब कॉमन है, किसी का भी घर हो। बुक, बुक इज आल्सो कॉमन नाउन, बिकॉज देर इज अ लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ कंपनी है, तो सो बुक इज आल्सो कॉमन नाउन। बाइक, बाइक इज आल्सो कॉमन नाउन, बाइक और उससे जितनी भी बाइक है सब कॉमन नाउन, ईच एंड एवरी। इट इज क्लियर? सेकंड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज दैट नाउन विच टेल्स अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, इट मीन्स प्रॉपर नाउन टेल्स अबाउट पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर पर्सन होगा, प्लेसेस होगा, थिंग्स होगा। पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, खास तौर से इंडिकेट करके। अब ये नहीं कॉमन नाउन की तरह बॉय कह देने से काम चल जाएगा। बॉय कह देने से कोई क्लियर नहीं हो पाता था कि कौन सा व्यक्ति है या कौन सी थिंग्स है, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्लियर हो जाता है कि क्या है, मतलब उसको पर्टिकुलर कैटेगराइज कर दिया जाता है। जब पर्टिकुलर कैटेगराइज कर दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन होता है, दैट इज प्रॉपर। तो सच एज इन कॉमन नाउन यू सी बॉय, दैट वॉज नॉट क्लियर पर्टिकुलरली, दैट सो दैट वॉज कॉमन। बट हियर इफ यू नेम, इफ यू कॉल पर्टिकुलरली विद एनी पर्सन, दैट इज मोहन। मोहन इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज यू आर टेलिंग पर्टिकुलर मोहन, नॉट ऑल द बॉयज, ओनली पर्टिकुलरली अबाउट मोहन। रीता दैट इज ऑल्सो नेम। नीलकमल,
दिस इज द नेम ऑफ चेयर, पर्टिकुलरली आपने बता दिया कि इसी कंपनी के हमको चेयर चाहिए या यही चेयर, तो दैट इज प्रॉपर। हिस्ट्री, इसके पहले क्या था, कॉमन में बुक था, बट हियर इज अ हिस्ट्री, तो अब क्लियर हो गया कि हाँ हिस्ट्री की ही बुक चाहिए, पर्टिकुलर हो गया। हुंडा, अब तक बाइक था, अब आपने उस बाइक का नाम बता दिया हुंडा, इज इट क्लियर। इन वन सेंटेंस यू विल कंक्लूड दैट प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जिसमें किसी का नाम हो, नाम जैसे आपका नाम, मेरा नाम, या किसी का नाम हो, या जैसे अगर आपने मार्केट कहा तो मार्केट तो कॉमन हो गया, अगर उस मार्केट का नाम आपने रख दिया कि नहीं हमको अकबरपुर मार्केट जानी है या फैजाबाद, तो जैसे ही आपने मार्केट का नाम किया एडवांस प्रॉपर नाउन हो गया, और जब मार्केट का नाम नहीं बुलाएंगे सिर्फ मार्केट ही बोलेंगे तो क्या होगा, दैट इज कॉमन नाउन। ओके, तो इज इट क्लियर। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, थर्ड नाउन इज योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सोज कलेक्शन, कलेक्शन आर ग्रुप्स। कलेक्टिव नाउन नेम से ही क्लियर है, तो कलेक्ट होगा, ग्रुप में होगा तो कलेक्टिव नाउन होगा। सच एज यू कैन सी एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली यू सी देर आर मोर देन मेंबर्स, देर आर 3, 4, 5, 6, 10 मेंबर्स, तो दैट इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो जहां ग्रुप होंगे वहां कलेक्टिव नाउन होगा। क्राउड, भीड़, क्राउड में आप देखेंगे यू विल सी इन क्राउड देर विल बी मेनी पर्सन्स, क्राउड होगा यानी लोगों की भीड़। कमेटी होगी, तो कमेटी में कई मेंबर होंगे, उस मेंबर का ग्रुप्स होगा, एक कलेक्शन होगा, तो दैट इज कमेटी। असेंबली फॉर एग्जाम्पल यू गो इन द मॉर्निंग इन योर प्रेयर असेंबली, तो देर आर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो सो देर इज ऑल्सो ग्रुप वेयर देर यू विल सी द ग्रुप आर कलेक्शन दैट विल बी कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर। नंबर फोर्थ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज दैट नाउन बाय विच वी कैन मेक न्यू थिंग्स। मटेरियल नाउन में होता है जिससे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, लेकिन वस्तु बनाएं जब तक उस वस्तु की बनने की पॉसिबिलिटी हो तब तक वो मटेरियल नाउन ही है। फॉर एग्जांपल मिल्क इज मटेरियल नाउन। मिल्क से आप सेकंड पोजीशन क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, दही, कर्ड, तो कर्ड इज आल्सो मटेरियल नाउन। बटर, मक्खन बनाते हैं दूध से, दैट इज आल्सो मटेरियल नाउन। लास्ट स्टेज ऑफ द थिंग्स फ्रॉम वेयर वी कांट मेक अनदर थिंग्स दैट विल चेंज इनटू कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन का लास्ट स्टेज क्या होता है, कॉमन नाउन। फॉर अनदर एग्जांपल यू कैन सी गोल्ड इज आल्सो मटेरियल नाउन, गोल्ड इज आल्सो मटेरियल नाउन, विद द हेल्प ऑफ गोल्ड वी कैन मेक रिंग्स चेन्स, बट आफ्टर रिंग्स यू कांट मेक अनदर थिंग्स, तो सो रिंग इज कॉमन नाउन नॉट मटेरियल नाउन। इट मीन्स कि जब तक गोल्ड का कोई शेप नहीं बन जाएगा तब तक वो मटेरियल है, जब एक निश्चित शेप में बना लिए तो उसके बाद वो कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाउस बनवाना हुआ, आपका रेजिडेंस बनाना हुआ, विला बनवाना हुआ, तो उसके लिए आप मोरंग, गिट्टी, जो भी मटेरियल, सीमेंट कलेक्ट करते हैं, दैट इज मटेरियल। बट जब वो घर बन के कम्प्लीट हो जाता है, हाउस बन के कम्प्लीट हो जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी खत्म है उस मटेरियल की, जो लास्ट पॉसिबिलिटी हो जाए यानी उसके बाद कुछ ना बन सके, तो कॉमन नाउन भी चेंज हो गया। जब घर हो गया
तुरंत कॉमन में आ गया। इसी तरीके से जब तक गोल्ड था कॉमन था, लेकिन जब रिंग बन गया पॉसिबिलिटी उसकी खत्म है। ये अलग बात है कि कुछ कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको तोड़ फोड़ के फिर दूसरा कुछ बनवा सकते हैं, रिंग को अब तोड़वा के फिर दूसरा बनवा लें, ये अलग चीज है। लेकिन सामान्यतया गोल्ड की पॉसिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, यानी जब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए तो कॉमन में कन्वर्ट हो जाता मटेरियल, लेकिन जब तक उससे बनने की पॉसिबिलिटी होती तब तक वो मटेरियल नाउन होता है। उड, उड से विंडो बनवा लिए, उड था मटेरियल नाउन, लेकिन विंडो बन गया कॉमन नाउन हो गया क्योंकि पॉसिबिलिटी इन हो गई। आयरन, आयरन से भी विंडो बन गया, आयरन था तो मटेरियल था लेकिन विंडो बन गया, दैट इज कॉमन। स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। नेक्स्ट आफ्टेक नाउन। आफ्टेक नाउन इज दैट नाउन ओनली यू कैन फील, यू कैन नॉट सी, यू कैन टच, ओनली यू कैन फील एंड अनदर थिंग्स। आफ्टेक नाउन दैट हैज नॉट एनी वेट। आफ्टेक नाउन में कोई वेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल मर्सी, दया, यू कांट सी मर्सी, दैट इज ओनली यू कैन ओनली फील मर्सी, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशी, ऑनेस्टी, ओनली यू कैन फील, यू कांट सी। द टफेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आफ्टेक नाउन इज द टफेस्ट एग्जाम्पल, बट दैट इज नॉट आफ्टेक, एयर, एयर इज नॉट आफ्टेक नाउन बिकॉज एयर हैज अ पर्टिकुलर वेट। सो एनी थिंग्स दैट हैज वेट दैट इज नॉट आफ्टेक नाउन, दैट इज कॉमन नाउन बिकॉज एयर हैज मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो सो इट हैज अ वेट ऑब्वियसली, सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ आफ्टेक नाउन। Only these are and related to this. Another example is belong from this aspect noun. Next things, common noun has also two kinds: collective, countable noun and uncountable noun. Countable noun easily you know. The countable noun is the things that we can count. That is countable noun. Uncountable noun. The things which you can't count, जिसको आप count कर सकते हो countable है, जिसको आप count नहीं कर सकते uncountable है। For example, chair, chair is a countable noun. But sugar, sugar is not countable. तो easily which you can count, that is countable and the things which you can't count, that is uncountable. Is it clear? Next day, I will tell you the particularly about singular noun, plural nouns detail. For example, some nouns follow to make the plural, some nouns follow es or es. For example, if you want to make plural of boy, so you add s or es. Easily you can make boys, boys, that is plural, girl, girls, chair, chairs. But each word doesn't follow yes or es. For example, man, man doesn't follow yes. You will make it man, men. Only you will change the middle word, men, omen, omen, mouse, mice, tooth, teeth, goose, geese, the different things to make plural. So such type of things you will see in another topic. Okay, thank you.